और अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। गाड़ी अपनी पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है इस पे। ओहो, ये टायर है ना, गाड़ी पहले यहाँ पे लाता हूँ। निकल गई, जी जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइस, 6:30 बज चुके हैं। ओहो, क्या व्यू है भाई, सामने पहाड़ बिल्कुल, ऊपर बर्फ। अपने रात को यहाँ पे किया था डांस वगैरह थोड़ा बहुत, और अपनी गाड़ी खड़ी है इधर। अभी देखता हूँ बाहर कितना टेम्परेचर है, और अभी जो टेम्परेचर शो हो रहा है 2 डिग्री हो रहा है। और ये भैया कहाँ की गाड़ी है, इसने तो बीच में लगा दी। हमको अब निकलना होगा तो कैसे निकलेंगे, ये तेरी कोई अच्छी बात थोड़ी है। यहाँ के निकला हूँ, अब धूप निकली है, पूरा माहौल नज़ारा चेंज हो गया है, अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। ये अपना गर्म गर्म चाय और पराठा खा के। ओके भैया, मिलते हैं फिर। ओके चाचा। ओके। गाड़ी बिल्कुल अपनी दबा के रोड के साइड पे किनारे पे लगा दिया, बाकी पूछते हैं भैया से किसी से। मैं कहता भैया गाड़ी चली जाएगी नीचे तक? हाँ जी, चली जाएगी। चली जाएगी, सीधा रास्ता है। हाँ। ओके भैया, थैंक यू। क्या व्यू है, बाकी तो बाहर मिलेंगे नज़ारे। इस पर चढ़ सकता हूँ या नहीं, कोशिश करते हैं इस पे चढ़ के। देखो वहाँ से देखो, पूरा व्यू एक नंबर भाई भाई भाई। 4x4 गाड़ी होती ना तो ले आता, यहाँ से निकाल देता उधर फोटो शूट करते, पर अभी तो हम खुद नहीं जा सकते क्योंकि गीले हो जाएंगे। बाकी नज़ारा कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी देर टाइम बिताते हैं, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे, कोशिश करेंगे अपना लेह। कन्फर्म नहीं है आगे कहाँ पर जाऊँगा, कहाँ तक अपना प्लान होता है। देखें जहाँ पर मंजिल लेके जाएगी वहां तक जाएंगे। तो अच्छी अच्छी फोटोज के लिए इंस्टाग्राम पे क्या करना है, आपको फॉलो करना है। आईडी आपको देखो स्क्रीन पर यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ पर ये दिख रहा है ना बड़े बड़े अक्षरों में, तो फॉलो कर दो जल्दी से। अब हम दारचू में, तो यहाँ पर होगी चेक पोस्ट है, ये अपना फ्लाई ओवर क्रॉस करती है, आपको दिखेगा दारचू की चेक पोस्ट। लेंगे पहले एंट्री करा के। तो यहाँ पर क्या होता है, एंट्री में आपकी गाड़ी का नंबर नोट किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर जा रहे हो और कितने बंदे हो, तो ये एंट्री होती है। सरचू से पहले हम जाएंगे 12 लच्चा पास, तो वहां से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे सरचू के लिए। तो ये ट्रक गिर गया है, शायद ऊपर से गिरा या क्रैश हुआ है, यहाँ पर पता नहीं भाई, माल भी इसमें भरा हुआ है, क्रैश हुआ है ये सीधा जाके, पूरी तरह हालत भाई इसके तो हालत खराब है। ये बच्चा हाय कर रहा है, हाय कैसे हो, हेलो 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 हेलो। अच्छा कुछ खाएगा, ये तो मोटा हो गया, चला तब तो पतला था, देखना मोटा हो गया ना। यहाँ से शुरू हो जाता है अपना खराब रास्ता, आगे पता नहीं कितनी देर तक खराब है, भयंकर वाला खराब है ये, पर कितना खराब है ये पता चलेगा आगे। बड़ा आराम से संभल के, एक तो गाड़ी मेरी फुल लोड है ना, पूरी गाड़ी हिलती है, सामान इतना है, ये देखो पूरी गाड़ी हिल रही है, जंप कर रही है। अब कैमरे में फोन में कितना जस्टिस हो रहा है, कितना अच्छे से पता चल रहा है ये पता नहीं। जेके ऑटोस, ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र वी काली रमन, एक्सप्लोर इंडिया के नाम से मेरा चैनल है। अरे वाह, मैंने देखी ना गाड़ी, मैंने इग्निस गई है। अभी चलते चलते हमारे वीरेंद्र भाई मिल गए हमें, तो एक्चुअली जैसे हम इग्निस लेके जा रहे हैं ना, हम तो मतलब सर्किट कंप्लीट करके आ चुके हैं एक्सप्लोर इंडिया। ये देखो एक्सप्लोर इंडिया, तो ये पूरी इग्निस में ही पूरा एक्सप्लोर करते हैं इंडिया। आपसे भी मिलके भैया अच्छा लगा। तो ये भैया इस इग्निस से ट्रेवल कर रहे हैं, हम अपने इससे, भैया की 21 मॉडल है और हमारी 18। तो ओके भैया, मिलेंगे फिर कभी फ्यूचर में, कहीं ना कहीं टकराएंगे। 100% स्नोफॉल हो रही है और बर्फ देखो कितनी है भाई, कितनी बर्फ है। वहां से आए थे, गाड़ी को कर दिया बिल्कुल सेफ, मेरे को लग रहा था इजी होगा, पर अब हालत हो रही है खराब। हाँ, अब चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर हूँ गाड़ी से, चल के आया हूँ कंटिन्यू। अब एक दिक्कत होगी यहाँ पर, वहाँ पर पीछे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। सोचो थैंक यू फोटोज के लिए, क्या नाम है आपका? शो मी, एक हाई फाई। ओके थैंक यू। कैसे पत्थर पड़े हैं और ये दिख नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से ना देख के निकाल रहा हूँ यहाँ से साइड से बचा के, अपना गलती से भी इन पे कुछ हुआ। अपने आप ही खड़खड़ कर रहा है, नीचे कंकरी है ना बिल्कुल, पूरा वाइब्रेटर, पूरा वाइब्रेट
सॉरी पूरा वाइब्रेट कर रहा है, बता रहा था ना जीव अपने आप ही बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, निकल कुछ और रहा है। मेरे को वो जैकेट निकालनी पड़ेगी जो -10 डिग्री तक काम करती है अपना, ये है वो जैकेट। स्नोफॉल हो रही है बाहर बिल्कुल, इतनी इतनी सी पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही फोन में, मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक ऊपर। तो पीछे से आते पहले नहीं हुई, पीछे स्नोफॉल हो रही है, यहाँ पे नहीं है यार, बाकी आगे पता चलेगा। बिल्कुल धीरे से, अब मैं धीरे से निकाल तो रहा हूँ, कैसे निकालूँ? अरे पत्थर टच होगा ना तो क्या करेंगे, गाड़ी रोक के इसको हटाएंगे पहले, आवाज आएगी टच होने की। तो निकल गई निकल गई निकल गई, धीरे धीरे निकालेंगे। वाटर क्रॉसिंग तगड़ी वाली है, नेक्स्ट लेवल। हाँ, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल बोले तो। निकल जा भैया धीरे धीरे, टच हो गया रे बाबा। ये तो भैया डेली के ड्राइवर है अपना, जा रहा है तगड़े तरीके से, हम जा रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे। अच्छा मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ी आ रही है, ऑल्टो के देख के निकलते हैं, जैसे ये जा रही है ना इसके पीछे पीछे निकाल लेंगे बिल्कुल। ये नेक्स्ट लेवल, भैया खुद हटाओ अगर चैम्बर नहीं फाड़ना तो। लो फाइनली हम अपना पहुंच गए सरचू, अभी मैं पहुंचा हूं सरचू और ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूं ले निकलूं या यहीं पे स्टे करूं, किसी लोकल से पूछता हूं, एक कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो किसी से पूछते हैं यहां पर स्टे करना ठीक रहेगा या अपना आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि अभी गाड़ी तो मेरे सामने 2-3 गई है, ले के लिए सीधी निकली है तो हम भी देख लेते हैं। भैया आपका सिमरन, सिमरन भाई ने सही गाइड किया है, सरचू से सीधा निकलूंगा ले के लिए। तो भैया ने बताया सीधे रोड है, कोई दिक्कत नहीं है अपना यहाँ से, अपना आज यहाँ पे रुकने का कुछ लॉजिक भी नहीं है क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं या मैं खुद देखूं, तो टाइम वेस्ट करने से बेटर अपना
ले निकलते हैं और कल अपना आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। 2 मिनट के लिए रुका हूँ, बस एक टैबलेट और ले लेता हूँ। सर जो तेरा चक्र आए, और इसके बाद कोई भी नहीं है, ना इधर ना इधर, अकेला मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसको आगे रख लेता हूँ, पीछे नहीं रखूँगा। अब बाइकर्स दिखे सामने से, बाइकर्स जा रहे हैं। ये दिक्कत है, वो ट्रक तो चढ़ नहीं पाया, अब ये ट्राई करेगा, वो वापस आ गया, उसके ऊपर प्रेशर से चढ़ेगा। ये है गाटा लूप्स में भैया, ये हाल है। मैंने कैप निकाल दी, कैप पहन लेता हूँ फिर से, शीशा डाउन किया ना, ट्रक की हो रही है हालत खराब चढ़ने में। तो भैया अब हम भी अपना करते हैं धीरे धीरे, अपनी तो चढ़ जाएगी धन्नो, अपनी तो चढ़ेगी इजीली, पर उससे ना सामने जो ट्रक है ना, इससे डिस्टेंस बना के भैया, कोई भरोसा नहीं है। मैं बिल्कुल जब रोड ठीक आ जाएगा ना, तब इससे आगे निकालूंगा। तो ये है गाटा लूप्स की चढ़ाई, हालत खराब हो रही है यहाँ की। एक वो है कि यहाँ पे ना पानी की बोतल फेंक के जाते हैं, तो इसलिए रुका हूँ मैं। अब मेरे को ये तो पता नहीं किस लिए फेंक के जाते हैं। 2 मिनट हम भी रुक गए भाई, आ गए यहाँ से 41 किलोमीटर। ट्रक्स वाले ना, जो ट्रक ड्राइवर हैं, कितने अच्छे हैं भाई, एक तो रास्ता देते थे साथ के साथ, और सामने से कोई गाड़ी अगर ट्रक आ रहा है मेरे, तो खुद ही दबा लेगा उसको पहले ही, और लाइट बंद कर देता है अपने। और गाड़ी वाले करते नहीं है, गाड़ी वालों से बहुत अच्छे ट्रक ड्राइवर हैं यहाँ के। मेरी जीभ अटक रही है हाई एल्टीट्यूड की वजह से, 5000+ हूँ मैं, 5000+ मीटर, मतलब 15000 से भी ऊपर हूँ मैं। तो ये अब थोड़ा सा सांस भी चल रही है, बोलने में भी ना, गाड़ी में बैठ के भी मैं बोल रहा हूँ ना, सांस भी चल रही है। 16600 फीट पे, ओह सॉरी लाचुंगला, 16616 फीट पे हूँ, और सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ रात में, ना उधर कोई ना इधर कोई। जय हिंद जय भारत। अभी टाइम हो गया है 8:16, और लेह पहुँचने में लग जाएंगे मेरे को कम से कम 12 या 1 बज जाएगा। ये रात में ना गाड़ी चलाने का एक अलग ही मजा है, और सजा भी है। ये देखो राइट में खाई है, और भैया अकेला चल रहा हूँ, आगे कोई नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं भी देख लो। तो ये है, ये रोड खत्म ही नहीं हो रहा यार, ये खत्म हो जाए, कोई ढंग का रोड है ना, तो देखें तो दिखता भी तो नहीं है कहाँ पे। कितने की स्पीड पे चल रहा हूँ, 20-25 की स्पीड पे चल रहा हूँ मैं। अब मेरे लिए ये सजा है या मजा है, पहले तो ये बताओ। देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है, अगर मेरा सर दर्द नहीं हो रहा होता ना, अब सर में दर्द हो रहा है बस, तब तो मजा था, अब जब सर दर्द हो रहा है ना तो सजा बन गई है, बाकी मजा पूरा आ रहा है, क्योंकि रात का भी एक अलग ही मजा होता है गाड़ी चलाने का। ये लाइन गाने की शूट हो रही है ना, रोऊं या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं। तो भैया मेरे साथ भी यही हाल हो रहा है, रोऊं या हंसूं अपनी हरकत पे, या अपनी तारीफ करूं। टॉप मॉडल में ना इग्निस के में खतरनाक हेडलाइट आती है, मेरा जीटा वेरिएंट है टॉप से एक नीचे, तो ये मैंने अपग्रेड करा दी थी टॉप मॉडल की। देखो जैसे लाइट ऑन करता हूँ ना, अभी फॉग लैंप मेरे ऑफ है, ये मैंने ऑन किया फॉग लैंप, फॉग लैंप ऑन होते ही आगे भी बम्पर के यहाँ पे देखो कितनी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये खाली हेडलाइट के थ्रो मेरे के पूरा रोड क्लियर दिख रहा है। ओहो भाई, जो तो सर के बिना केले पे। कैसे करें, ये टायर है ना, गाड़ी पहले यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे रोकता हूँ, फिर इसके ऊपर से लूंगा, और यहाँ से निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी वहाँ पे ठीक है। तो टायर को सीध में लेके बिल्कुल इधर से लेके जाऊँगा पाइप के ऊपर से। ओहो तो बड़ी दिक्कत होगी रात में। फोन को रखता हूँ साइड में, यहीं से देख लो भाई,
जय बजरंगबली। हैंड ब्रेक खींचता बाहर जाकर, पहले चेक करूं टायर सीट में बिल्कुल। बैंपर वाला रोड खराब है, मेरी तो हालत खराब हो रही है। GoPro क्या करेगा, निकल गई निकल गई निकल गई सीधी बिल्कुल। फोन गिर गया, चालू निकल गई। भाई कितनी गंदी आवाज आ रही थी ये भैया। वाटर क्रॉसिंग क्या करें, वाटर क्रॉसिंग है तो एक टायर रखेंगे ऊपर और एक नीचे। भयंकर वाली है, शिट आज क्या क्या देखूंगा मैं। हो इधर से ले लेता हूँ मैं बम्पर, छिलको सही है, चल बम्पर ही गया कीचड़ी। हो निकल गए, यहाँ भी निकल गए। खतरनाक काम हो रहे हैं, वो जो लोहे के वो है ना डाले हुए हैं चद्दर, गाटर के ऊपर से हटी हुई हैं और अपने टायर छोटे हैं। ट्रक वगैरह तो ऐसे ही चले जाते हैं भाई, उनको क्या होना है, टायर इतने चौड़े होते हैं। अपने बीच में अगर चले गए ना गाटर के बीच में तो फंस जाएगी गाड़ी वहीं पे ही, तो ये दिक्कत है। 4x4 गाड़ी तो फिर भी चलो एक टायर जाएगा दूसरा निकाल देगा, पीछे वाले आगे वाला फंसेगा तो पीछे वाले, पीछे वाले फंसेंगे तो आगे वाला, तो ये बात है। तो अपना थोड़ा देख के इसलिए लेना पड़ता है बिल्कुल। और ब्रिज आ गो भाई, अब ब्रिज के नाम के ना हालत खराब हो रही है, जैसे ब्रिज दिखे कहीं गाटर वाला ना हो दिक्कत हो जावे। चलो ये तो सीमेंटेड है, ये सही है भाई। तो पांग पहुंच गए हैं, वेलकम टू पांग। और ये पांग अपना अब यहाँ से ले रह जाता है, 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। गाड़ी की हालत एकदम खतरनाक हो गई है, डस्टी डस्ट अब रात में दिख रही है ना दिख रही, और टायर अंत अंदाजा लगा लो फुल। इतनी गंदी गाड़ी आज तक ना करी हुई मैंने, यू इतनी सर्दी में ना गरम गरम कॉफी मिल जाए ना बात ही कुछ और है। गाड़ी कर दी अपनी पांग में ही पार्क, मॉर्निंग में यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे और अब करते हैं आराम। इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। गाड़ी अपनी पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है इस पे।